आज माइग्रेंट लेबर्स, आज मैं टोली चौकी आया हूँ। यहाँ पर झारखंड के माइग्रेंट लेबर्स है। यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट बसों की इंतजाम करके एक एक लेबर से 3,600 रुपए ले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बड़े बड़े बातें करते टीवी चैनलों पे, प्रेस पे, हम मदद कर रहे हैं बोलते। कोई भी माइग्रेंट लेबर को ना कोई रेस्क्यू कर रहा, ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा, ना कोई शेल्टर दे रहा, ना खाने का इंतजाम कर रहा। ट्रेन इंतजाम करे बोले आप, बसा इंतजाम करे बोले, ट्रेन में पैसे ले रहे। आज बसों में प्राइवेट बसा इंतजाम करे और एक लेबर, मैं उनसे आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ये सच्चाई आपके सामने रखना चाह रहा हूं। हमारे साजन साहब है, साजन झारखंड जाना है जी। कितने पैसे का टिकट लगा रहे सर? 3600 रुपये। बोलो 3600 रुपये। 3600 रुपये। और आप ये पैसे कहाँ से मंगाए? ये सब बकरा उकरे बेच करके साहब पैसे मंगाया हो। राइट। हमारे जाबिर साहब आइए, हम आप कितने पैसे ले रहे? 3600 रुपये ले रहे हैं सर। 3600 रुपये, 3600। लेबर रख के मैंने पैसा मंगाया सर। तो ये लेबर अपने घर से जेवर को गिरवी रख के, ये लोग अपना घर गिरवी रख के बकरों को बेच के, ये है हाल। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। आप जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड यूज कर रहे हैं, आपको जो फंड आ रहा प्राइम मिनिस्टर साहब, ये कहां जा रहा? मुख्यमंत्री साहब को फंड आ रहा कहां जा रहा? बड़े बड़े बात आप खाली टीवी के ऊपर। और आज हम सोनिया गांधी बोले सो, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब की सदारत में हम लेबरों को मदद कर रहे हैं। आज आप बोलिए भाई साहब, आपका टिकट का इंतजाम कौन करे? आप सूरज खान भाई ने किया। जोर से बोलिए फिर। सूरज भाई खान ने किया टिकट का इंतजाम 3600 रुपए का, एक एक आदमी का दिया, छह जने का। खाना कौन खिला रहे हैं? खाना वो भाई ने खिला, मसूद भाई ने खाना खिला था। इस दिन से हमारे दो दिन तीन दिन ऐसे भूखे पड़े थे अपने कमरे के अंदर, कोई नया देखने के लिए। लास्ट में भाई को फोन किया, भाई ने खाना पहुँचाया। तो बात यह है कि जितना भी हमारे से हो रहा है टिकट के लिए कर रहे हैं, और हमारे जो सरगर्म कारकुन है मसूद खान, ये लोगों को खाना खिलाए जी। तो रही बात, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि कौन सी भी गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही, और ये लोग बहुत परेशान हैं। आज हिंदुस्तान को अगर से कोई संभाल रहे तो वो सिर्फ ऑफिसर्स है। हमारी पुलिस फोर्स है, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे नर्सेज है, हमारी सैनिटाइजिंग टीम है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पूरे स्पेशल ऑफिसर्स है। कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी गवर्नमेंट इनको मदद नहीं कर रही, नहीं कर रही। और आज आप देख रहे हैं ये पैदल गांव को चले जा रहे, साइकिल पे चले जा रहे, बच्चों को खांदे पे रख ले रहे, जेब में पैसे नहीं है, खाना नहीं है, कोई शेल्टर नहीं दे रहा, कोई खाना नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ट्रेन इंतजाम कर रही टिकट के पैसे ले रही, बस इंतजाम करी बस के पैसे ले रही, और टीवी चैनलों पे और पेपर में बड़े बड़े बातें कर रहे। और मैं पूरे पॉलिटिशियनों से गुजारिश करता हूँ, अंधेरी है रात, मुश्किल का वक्त है, मेहरबानी करके बाहर आइए, ये वक्त टल जाएगा। खाली इलेक्शन आए तो बाहर आते, आप इलेक्शनों के टाइम पे आते, बस्ती बस्ती आप खाना खिलाते, मत खिलाओ बोले तो खिलाते, पैसे देते उठा होना बोल के। आज ये गरीब परेशान है, घर को नहीं जा सका, खाने को नहीं है, इनके नौकरियां चले गए, कुछ भी नहीं है इनके पास, रत्ती बराबर भी जूने चढ़ रही, ना नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, ना यहां टीआरएस की हुकूमत को। आज सोनिया गांधी एक आवाज दिए कि आके लेबर्स को संभालो, हमारे से जितना भी होता उतना ताउन कर रहे। हम हर किसी को गुजारिश करते इन लोगों की मदद करिए,
ये बेसहारा है, मजबूर है, गरीब है और पूरे हिंदुस्तान को गिनो बनाते। आज तेलंगाना को इतना खूबसूरत बनाए ये लोग, अपना खून पसीना डाल के ये देश को बना रहे जी। और हम लोग ऐसे कठिन वक्त पे हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। आज कोरोना वायरस की लड़ाई इंसानियत से है और ये भी इंसान है, सबसे लाचार है, सबसे परेशान है। मैं पूरे भाइयों को गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के मेहरबानी करके आइए और ये गरीब कमजोर को मदद करिए। गवर्नमेंट को तो सही समझ में आ रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब 1,70,000 करोड़ दिए बोले, कहा दिए साहब? आज यहाँ केसीआर साहब 10,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर का बिल देते, नए टेंडर सैंक्शन करते आप, क्यों? आपको कॉन्ट्रैक्टरों से कमीशन आता बोल के ये गरीबों को नहीं दे सकते, इनके ट्रेनों के पैसे नहीं दे सकते, इनके बसों के पैसे नहीं दे सकते, इनको खाना नहीं खिला सकते। शर्म आ रही मेरे को ये गवर्नमेंट पे। बस ये सच्चाई मैं आवाम के सामने रखने आया हूं। जय हिंद, शुक्रिया।